हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम 2021, जो कि आपका एग्जाम होगा 2022 में। और 123 पोस्ट हैं एमपी सिविल जज के एग्जाम में इस बार, तो जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। 20 क्वेश्चन जो आते हैं जीके के आते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज 2021 गिवन टू, यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नोबेल प्राइज से पूछ लेते हैं, या फिर आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार या पद्म विभूषण या ऑस्कर, तो एक क्वेश्चन अवार्ड से जनरली आता है। इसलिए आपको अवार्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, उसमें भी खास कर नोबेल प्राइज से। नोबेल में भी आपको जो शांति का नोबेल है और अर्थशास्त्र का नोबेल, ये तो आपको पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छा है। तो आपको पता है नोबेल पुरस्कार 6 विभागों यानी 6 फील्ड में अवार्ड किए जाते हैं, जिनमें से इकोनॉमिक्स और पीस का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज 2021 किसे मिला, तो ये 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला। तो कई बार यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने पर्सन्स को दिया गया, 1, 2 या 3, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गुइडो एम्बन्स, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रेस्ट, इन 3 जो व्यक्ति हैं इन्हें नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। तो गुइडो एम्बन्स, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रेस्ट, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा पीस यानी शांति का नोबेल किसे मिला, तो ये मारिया रेसा और दिमित्री मोरातोव को यह शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आपसे दादा साहब फाल्के भी पूछा जा सकता है, जो अभी रजनीकांत को मिला था। इसके अलावा पद्म विभूषण भी पूछा जा सकता है, ऑस्कर अवार्ड भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनगंगा रिवर फ्लो थ्रू विच डायरेक्शन। इससे पहले जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, पिछली बार का सिविल जज, उसमें एक तो उन्होंने नोबेल प्राइज में पूछा था कि जो शांति यानी पीस का नोबेल प्राइज किसे मिला, और पूछा था जो नर्मदा रिवर है यानी नर्मदा नदी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो इस टाइप से आपको याद रखना था कि किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसके अलावा बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश की कुछ चुनिंदा नदियों में से है जो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो होती है, इसलिए यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बेनगंगा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है जो डायरेक्ट गोदावरी में जाती है, यानी गोदावरी की ये सहायक नदी है और ये नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। तो आपको थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा रिवर्स के लिए, तो आप इसकी प्रिपरेशन मैप से कर सकते हैं रिवर्स की। जैसे नर्मदा रिवर है जो यह पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, या जो चंबल रिवर है उत्तर साइड जाती हैं, या बेतवा है जो उत्तर साइड जाती हैं, तो उत्तर यानी जो नॉर्थ साइड कौन कौन सी रिवर जा रही हैं, साउथ साइड कौन कौन सी जा रही हैं और वेस्ट साइड कौन कौन सी जा रही हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज इंडिया फ्लैग बियरर एट द ओलंपिक 2021 ऑन ओपनिंग एंड एंडिंग इवेंट्स। तो देखिए ओलंपिक जो इवेंट हुआ था काफ़ी बड़ा इवेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एमपी सिविल जज में बन सकता है। इसके अलावा कोविड चल रहा था तो उससे वैक्सीन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपका बन सकता है। पिछली बार उन्होंने पूछ भी लिया था कि स्पुतनिक क्या है, वैक्सीन है या मिसाइल सिस्टम है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ओलंपिक अभी न्यूज़ में था, ओलंपिक हो चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, तो एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से बनते हैं। तो ओलंपिक में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओलंपिक हुआ था 2021 में, तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी में और एंडिंग इवेंट्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। तो ओपनिंग सेरेमनी यानी जो उद्घाटन समारोह था उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। इसके अलावा समापन समारोह में कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे, बजरंग पुनिया ने मेडल भी जीता। मनप्रीत सिंह हैं हॉकी से रिलेटेड हैं, हॉकी टीम के कप्तान थे, हॉकी पुरुष और महिला दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हॉकी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता या इससे पहले कब मेडल जीता था, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद, और जो समापन समारोह में शूटर अवनी लेखारा थी जो वो फ्लैग बियरर थी। नेक्स्ट है, सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो सोयाबीन ग्राउंडनट और कॉटन एक इस टाइप के क्रॉप्स हैं, तो आपको पता है खरीफ क्रॉप्स होते हैं और रबी क्रॉप्स होते हैं, तो खरीफ और रबी इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो जो सोयाबीन है, मूंगफली है और कॉटन यानी कपास है, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके अलावा जो रबी क्रॉप्स होते हैं जिनमें गेहूँ आ जाता है, चना आ जाता है, इसके अलावा मस्टर्ड यानी सरसों आ जाता है, तो ये सब होते हैं रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जनरली ये जून के आसपास बोए जाते हैं, जून जुलाई के आसपास और अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा जो रबी क्रॉप्स होते हैं जिसमें जो गेहूं आ जाता है, चना आ जाता है, सरसों आ जाता है और मटर आ जाता है, तो ये सब आपके अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश रैंक नंबर वन इन बेच ऑफ दीज, तो मध्य प्रदेश की इसमें इनमें से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किन 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 में है, तो जैसे डायमंड उत्पादन में एमपी का फर्स्ट रैंक है, इसके अलावा सोयाबीन उत्पादन में एमपी का प्रथम स्थान है, दलहन उत्पादन में भी है, तिलहन में सब सही है, और नेशनल पार्क यानी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, फॉरेस्ट एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और सागवान ट्री सबसे ज़्यादा ये भी मध्य प्रदेश में है, टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, 526 टाइगर हैं, और लीवर्ड यानी तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तो इनमें ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अटल बिहारी वाजपेयी बिकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने, तो तीन बार बने हैं वो, 1996 में, 1998 में, 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी से जनरली आपके एमपी सिविल जज में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित हैं, और इनसे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो इनकी जो बर्थ डेट पर यानी अभी हाल ही में मनाया गया था 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछली बार पूछा था कि मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इन्हें जो भारत रत्न कब दिया गया, या कितनी बार मतलब प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता है तीन बार, पहली बार कब बने, जब 13 दिन के लिए बने थे, तो 1996, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है, हु रोट इंडियन स्ट्रगल बुक एंड बेकम, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो सुमित्रा महाजन हों, उन्हें पद्म भूषण मिला है, इसके अलावा पद्म श्री भूरी भाई हों, या कैलाश सत्यार्थी हों, यानी जो एमपी की पर्सनैलिटी हैं, उससे एक आध क्वेश्चन आपके एमपी सिविल जज में हर बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हु रोट इंडियन स्ट्रगल बुक एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1939 एंड 23 जनवरी इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड पराक्रम दिवस, यानी किसने इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 अधिवेशन 1939 के जो सेशन में उन्होंने अध्यक्षता की, और 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस अनाउंस किया है इनकी जन्म डेट पर, यानी इनकी जयंती पर। कौन है ये, सुभाष चंद्र बोस, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी इन्होंने पास की थी, 4th रैंक आई थी 1920 के आसपास, और ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो जैसे सांची, रायसेन, खजुराहो, छतरपुर, भीमबेटका, रायसेन, ओरछा, नेवाड़ी, हनुमंती या भोपाल, तो जनरली ये जिले से रिलेटेड हैं, जैसे सांची, रायसेन तो बिल्कुल सही है, खजुराहो, छतरपुर ये भी बिल्कुल सही है, भीमबेटका, रायसेन ये भी बिल्कुल सही है, ओरछा, नेवाड़ी ये भी सही है। ओरछा पहले आता था आपका टीकमगढ़ में, अब जो नेवाड़ी नया जिला बन गया है 52 नंबर का, तो अब अलग हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा हनुमंतिया भोपाल गलत है, हनुमंतिया है आपका खंडवा में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सांची में स्तूप है, अशोक से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है कि सांची किस वंश से रिलेटेड है, तो जनरली मौर्य वंश से, और रायसेन में आता है सांची, बिल्कुल सही है। खजुराहो छतरपुर, खजुराहो से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो खजुराहो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, सांची भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, भीमबेटका भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो तीनों है सांची, खजुराहो, भीमबेटका। सांची कहाँ आता है, रायसेन में, खजुराहो छतरपुर में, और छतरपुर में दो बातें और याद रखना है, एक आपको भीमकुंड कहाँ आता है, क्वेश्चन बन जाता है छतरपुर में, और जो अभी बक्सवाहा फेमस था, पन्ना से 15 गुने हीरे पाए जाने की संभावना, वो भी छतरपुर में। इसके अलावा भीमबेटका, रायसेन, भीमबेटका से ये क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके अलावा भीमबेटका कहाँ है, रायसेन जिले में। ओरछा कहाँ आता है, नेवाड़ी में, और हनुमंती, ओरछा को कहा जाता है बुंदेलखंड की अयोध्या, बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को कहते हैं, और अभी इसे ओरछा को और ग्वालियर को इन्हें अभी जो यूनाइटेड नेशन की एक साइट है उसमें इन्हें सिटी में चुना गया है, बेस्ट सिटी में से चुना गया था, तो इसलिए ओरछा काफ़ी न्यूज़ में था। इसके अलावा हनुमंतिया काफ़ी न्यूज़ में है, ये भोपाल में नहीं, ये खंडवा जिले में आता है, तो इनकरेक्ट चुनना था, तो हनुमंतिया भोपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, या मध्य प्रदेश की सबसे मतलब बड़ी वन्यजीव अभयारण्य और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, तो नौरादेही सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, और राला मंडल सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, तीन होते हैं देखो, एक तो होता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होते हैं नेशनल पार्क, और एक होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनता है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बनते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों आपको पढ़ना है। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेही है, जो तीन जिलों में फैली है, जनरली सागर और दो जिले और हैं। इसके अलावा राला मंडल इंदौर में है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है, हु रोट गोरा एंड द होम एंड द वर्ल्ड बुक, तो गोरा बुक और होम एंड द वर्ल्ड बुक किसने लिखी, तो ये लिखी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार 1913 में, यह क्वेश्चन भी बनता है। और हु रोट गोरा एंड द होम एंड द वर्ल्ड बुक, तो गोरा और होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी 1913 में, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट दीज, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो जापान फूमियो किशिदा, ईरान इब्राहिम रईसी, ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन और इसराइल बशर अल असद। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो शिंजो आबे थे उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया पूर्व। इसके अलावा ईरान इब्राहिम रईसी बिल्कुल सही है, ईरान से संबंधित हैं इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं नए इब्राहिम रईसी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। और इसराइल बशर अल असद ये गलत है, इसराइल बशर अल असद ये गलत है। इसराइल से संबंधित है नेफ्ताली बेनेट का, यानी नेफ्ताली बेनेट इसराइल के जो पीएम हैं, जो बशर अल असद हैं ये सीरिया के हैं, सीरिया के राष्ट्रपति हैं कौन हैं बशर अल असद। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जापान काफ़ी अभी न्यूज़ में था और ईरान भी न्यूज़ में था, अभी इसने करेंसी का नाम चेंज कर दिया था, टोमन कर दिया था, और परमाणु जो ईरान अमेरिका डील है इसके कारण भी ईरान चर्चा में था। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता, 2022 का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसराइल अभी आयरन डोम के कारण चर्चा में था, इसराइल फिलिस्तीन के मैटर के कारण, और नए यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट, इसके अलावा इससे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो बशर अल असद कहाँ के, सीरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स इंडिया गेट इन द पैरालंपिक, पैराओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो आपको देखो ओलंपिक में कितने मेडल जीते, पैराओलंपिक में कितने जीते, ये आपको याद रखना है, ओलंपिक से एक आध क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसके अलावा जो इंडिया ने पैरा ओलंपिक में जीते टोटल 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये आपको याद रखना है, टोटल 19 मेडल जीते। नेक्स्ट है विच वन ऑफ इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में होगा, मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम यूके, और विंटर ओलंपिक 2022 चाइना। तो इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा बिल्कुल सही है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा बिल्कुल सही है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 यूके बर्मिंघम में होंगे बिल्कुल सही है, और विंटर ओलंपिक 2022 चीन में होंगे बिल्कुल सही है। तो चारों इवेंट से सही है। नेक्स्ट है इट इज रिवर फ्लो थ्रू थ्री स्टेट, गांधी सागर, राणा सागर एंड जवाहर सागर डैम ऑन दिस, व्हाट इज इट्स नेम। तो देखिए ये नदी 3 राज्यों से बहती है, तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर डैम है इस नदी पर, तो क्या है इस नदी का नाम, तो बिल्कुल सही समझे, यह चंबल नदी ही है। चंबल नदी जो है वो 3 स्टेट यानी मध्य प्रदेश, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश बहती है, और ये चंबल नदी है जो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है कि किस दिशा में बहती है, थोड़ा बहुत आपको मैप पर रिवर्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है, अगर आप एमपी सिविल जज एग्जाम दे रहे हैं, जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह बात आप याद रखिए, थोड़ा बहुत आपको मध्य प्रदेश के मैप का आइडिया होना जरूरी है, एक आध क्वेश्चन मैप वाइज बन जाता है। तो चंबल नदी है, चंबल नदी 3 राज्यों से बहती है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर डैम इस नदी पर है चंबल नदी। बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी कहती करती है, तो चंबल नदी है, दुनिया में ये भारत ही नहीं दुनिया में विख्यात है बीहड़ के निर्माण के लिए। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ, आपने सुने होंगे चंबल के बीहड़, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के अगर पूछे तो 8 राज्य, और मध्य प्रदेश के पूछे तो 14 जिले यानी 14 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अब क्वेश्चन आने लगा है मैप बेस्ड, तो पूछ लेंगे आपसे इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको दे देंगे 4 इस टाइप से ऑप्शन। तो आपको थोड़ा बहुत मैप में देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये इमेज क्लियर नहीं है, तो आप मैप में यह देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। अभी देखिए कोविड के कारण आपके वायरस से क्वेश्चन बनने लगे हैं, अदर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया से पूछ रहे हैं, वैक्सीन टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से बनना है कि DNA की खोज किसने की, या RNA की खोज किसने की, या वैक्सीन की खोज किसने की, या पेंसिलिन की वैक्सीन की खोज, इस टाइप से क्वेश्चन अभी काफ़ी बनना है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है कि जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो काफ़ी न्यूज़ में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है। इसके अलावा जो अपनी वैक्सीन वगैरह भी मैक्सिमम पुणे में बन रही है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो इसका हेडक्वार्टर भी पुणे में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में है, और आधार पूनावाला जो इसके CEO हैं। तो आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बन सकता है वैक्सीन से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कैला सत्यार्थी बोन नोबेल प्राइज इन विच ईयर, कैला सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार कब जीता, तो इन्होंने 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैला सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से भी संबंधित थे, और ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंध रखते हैं कैला सत्यार्थी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, जो फूलों का स्टडी का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉट S-400 एंड AK-203 फ्रॉम विच कंट्री, इंडिया जो S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम और AK-203 ये
जो मशीन गन है शायद जो भी है, तो इंडिया S-400 और AK-203 कहाँ से खरीद रहा है, तो रसिया से भारत S-400 और AK-203 खरीद रहा है। राफेल कहाँ से खरीदे थे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो S-400 है ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी, AK-203 ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, रूस से भारत खरीद रहा है। अभी रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन भारत भी आए थे, और इसलिए रूस अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था अभी रूस यूक्रेन और रूस मैटर के कारण, तो आपको थोड़ा बहुत पता रखना जरूरी है। इसके अलावा रूस दुनिया का पहला देश है जिसने जो जानवरों के लिए भी वैक्सीन बना दी थी कोविड वाली, और स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, तो वो भी रूस की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी रूस परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है जो बाइडन बिलोंग्स टू विच पार्टी, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46 नंबर के, तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी से डेमोक्रेटिक और डी से डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिक पार्टी के, जो बाइडन है डेमोक्रेटिक पार्टी के। अमेरिका क्वाड में भी है, क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा था। नेक्स्ट लक्ष्मीबाई एवं तानसेन की समाधि कहाँ है, तो लक्ष्मीबाई एवं तानसेन की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। पिछली बार पूछा था महारानी लक्ष्मीबाई जो शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो वो ग्वालियर में है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है छिप्रा पार्वती कालीसिंध बनास किस नदी की सहायक नदी है, तो छिप्रा पार्वती कालीसिंध बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। छिप्रा नदी पर तो सिंहस्थ भी होता है, तो आपको यह पता रखना जरूरी है कि छिप्रा पार्वती कालीसिंध बनास किस नदी की सहायक नदी है। तो नदियों वाला पोर्शन आप एक दिन मैप देख लीजिए और ख़त्म करिए इसको। नेक्स्ट है 1980 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था ओलंपिक में, तो 1980 के बाद भारत ने अभी 2021 में मेडल जो ओलंपिक में जीता है हॉकी में, तो मतलब टोटल 41 ईयर्स हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कितने वर्ष बाद भारत ने ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीता, तो 41 ईयर्स बाद, तो 1980 में जीता था गोल्ड मेडल, उसके बाद से भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। महात्मा गांधी भारत कब आए, तो महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और इसी दिन जो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता रखना जरूरी है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस की थीम भी अभी पूछी जाने लगी है अन्य एग्जाम में, चाहे वो SSC हो या अदर स्टेट के एग्जाम हो। नेक्स्ट है भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, तो UNSCP5, SCO, ब्रिक्स और बिम्स्टेक और SAARC। तो देखिए भारत UNSCP5 यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट 5 का मेंबर नहीं है। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, इसका भारत मेंबर है। ब्रिक्स में भी भारत मेंबर है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बिम्स्टेक में भी भारत मेंबर है, और इसके अलावा SAARC का भी भारत मेंबर है। तो इसमें से भारत, इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट 5 मेंबर है, जो इसमें 5 मेंबर्स हैं उसमें भारत सदस्य नहीं है, और जो भारत चुना गया था इसमें नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 2 वर्ष के लिए, अभी भी भारत इसमें है, 2 वर्ष के लिए चुना गया था नॉन परमानेंट मेंबर में 8वीं बार, तो भारत परमानेंट 5 का मेंबर नहीं है। परमानेंट 5 में जैसे ब्रिटेन है, इसमें रूस है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये देश हैं। पहली महिला जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया, तो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया था, वो थी शिवांगी सिंह। राफेल विमान काफ़ी न्यूज़ में थे इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली महिला जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया वो थी शिवांगी सिंह। राफेल विमान भारत में पहली बार अंबाला एयरबेस पर उतरे, कहाँ से आए थे, तो फ्रांस देश से आए थे, डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल विमान बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपके लिए कि अवनी चतुर्वेदी इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, यानी अवनी चतुर्वेदी के संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक प्लेलिस्ट बन जाएगी GK फॉर MP सिविल जज, जैसी पिछली बार बनी थी GK फॉर MP सिविल जज 2022। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो जितनी भी वीडियो आएंगी अब उसमें आप अगर इससे पहले कि अगर आपने और वीडियो नहीं देखी पिछली बार वाली, जो पिछली बार का एग्जाम हुआ था सिविल जज की, वो भी आप देख लीजिए, कुछ हेल्पफुल हैं, तो उसको आप देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है। और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में वीडियो आएंगी तो आप लाइन से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।